हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डॉट नेट कोडर क्लूज। और आज हम लोग वैलिडेशन कंट्रोल के ऊपर एक और जो है टाइप के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का जो टाइप है, व्हाट इज रेंज वैलिडेटर इन ASP.NET, ASP.NET में रेंज वैलिडेटर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैंने कई सारे ASP.NET के ऊपर कंप्लीट एक सीरीज बनाया हुआ हूँ, तो आप उस वीडियोज को भी डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो देयर आर सिक्स वैलिडेशन सर्वर कंट्रोल इन ASP.NET। हम रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को डिस्कस कर चुके हैं, कंपेयर वैलिडेटर को कर चुके हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रेंज वैलिडेटर है। तो व्हाट इज रेंज वैलिडेटर? बेसिकली इट चेक्स द यूजर इनपुट बेस्ड अपॉन अ लोअर एंड अपर लेवल रेंज ऑफ नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। यूजर इनपुट्स को चेक करते हैं कि अपर लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ रेंज में मैच करता है या नहीं करता है, नंबर या कैरेक्टर या डेट। तो दो रेंज के बीच का वैल्यू जो है मैच होना चाहिए, तभी हमारा जो है वैलिडेशन सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज हमारा वैलिडेशन फेल हो जाएगा। इट मेक्स श्योर द यूजर इनपुट इज विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज, जो मैंने आपको अभी बताया, स्पेसिफाइड रेंज के बीच होना चाहिए। जैसे कि एज शुड बी 20 to 40 ईयर ओल्ड। तो अगर 20 से 40 ईयर के बीच में होगा देन इट्स ओके, अदरवाइज अगर आपने गलत रेंज डाला तो वैलिडेशन फेल हो जाएगा। You can validate both numbers, strings, dates. तो आप नंबर को वैलिडेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को वैलिडेट कर सकते हैं, डेट को वैलिडेट कर सकते हैं रेंज वैलिडेटर के अंदर। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। When we fill a form, अगर हम लोग कोई एक फॉर्म को फिल करते हैं, there is a limitation. Age range should be 21 to 30 year old. Then they can fill the form, otherwise they can't fill the form. तो कई सारे गवर्नमेंट एजेंसी में या कई सारे जो है फॉर्म्स होते हैं जिसमें एज रेंज का जो है लिमिटेशन होता है, उस पर्टिकुलर एज रेंज में ही आप जो है उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है फॉर्म नहीं फिल कर सकते। सेम टाइप्स डेट ऑफ बर्थ इन बिटवीन, जो है एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। तो सम कॉमन प्रॉपर्टीज एंड द मेथड्स ऑफ ऑल द वैलिडेशन कंट्रोल। तो ये हम प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को देख चुके हैं कई सारे वीडियोज में, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियोज को जाके देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग विजुअल स्टूडियो में जाएंगे, देन फाइल में जाएंगे, देन न्यू में जाएंगे, देन प्रोजेक्ट में जाएंगे, देन यहाँ पे हम लोग उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। देन हम लोग यहाँ पे नेम डालेंगे प्रोजेक्ट का। यहाँ पे हम लोग नेम डाल दिए रेंज वैलिडेटर, देन ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग MPT टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, देन ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आएंगे, यहाँ पे रेंज वैलिडेटर पे राइट क्लिक करेंगे, देन ऐड, देन न्यू आइटम करेंगे। यहाँ पे हम लोग वेब फॉर्म सेलेक्ट करेंगे एंड वेब फॉर्म में हम लोग पेज का नाम देंगे, रेंज वैलिडेशन पेज, एंड ये ऐड प्रेस करेंगे। हमारे पास ये पेज ओपन होके आ गया है।
यहाँ पे हम लोग टाइटल और डिव को हटा देंगे। हमने कंट्रोल्स के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, तो फॉर्म डिजाइन्स एंड कंट्रोल को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा टाइम फॉर्म डिजाइन में नहीं लगाना चाहते। तो यहाँ पे सबसे पहले हम CSS को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइटल एंड CSS। यहाँ पे TD टेबल और TD का CSS है, देन सबमिट बटन का CSS है और देन कैंसिल बटन का CSS है। इसमें कुछ नहीं है, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, पैडिंग, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, फॉन्ट साइज, ये सारी चीज़ें हैं। देन हम लोग यहाँ पे पूरा टेबल्स जिसके अंदर हमारा फॉर्म डिजाइन है, वो पूरा फॉर्म डिजाइन्स को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और हम लोग फॉर्म डिजाइन्स देखते हैं कि हमारा ये फॉर्म्स किस टाइप का जो है लुक एंड फील हमारा हो रहा है। तो डिजाइन में आके हम लोग यहाँ पे ये हमारा पेज पूरा डिजाइन हमने किया हुआ है। इसमें डेट, एज और इंटर 3 डिजिट नंबर, ये 3 फील्ड हम लोगों ने रखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे इज वैलिड प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज कर रहे हैं, ताकि अगर वैलिडेशन हमारा क्लाइंट साइड वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट जो है डिजेबल हो ब्राउजर पे, तब भी हमारा वैलिडेशन परफॉर्म हो और डेटा हमारा डाटाबेस में जाके सेव ना हो। तो इसीलिए हम लोग क्लाइंट साइड वैलिडेशन को अनेबल कर लिए यहाँ पे। देन हम यहाँ पे सोर्स में आते हैं और हम लोग यहाँ पे रेंज वैलिडेटर यूज करते हैं। टूल्स में आएंगे, देन टूल्स में आने के बाद वैलिडेशन में आएंगे, वैलिडेशन में रेंज वैलिडेटर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे डिजाइन में आएंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आएंगे, या फिर आप F4 प्रेस करके आ सकते हैं प्रॉपर्टीज में। देन डिस्प्ले यहाँ पे डायनेमिक सेट करेंगे प्रॉपर्टीज। एरर मैसेज हम लोग बाद में देखते हैं। कंट्रोल टू वैलिडेट में हम लोग यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, TXT डेट। इस टेक्स्ट बॉक्स का हमारा जो है नाम है TXT डेट। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज में आता हूँ, देन यहाँ पे 4 कलर को हम लोग रेड सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि एरर आए तो हमें क्लियरली दिखे कि ये एरर मैसेज है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हम लोग सेट कर लेते हैं। तो अगर यूजर 1/1/2018 मिनिमम वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं, मतलब मिनिमम रेंज 1/1/2018 से मैक्सिमम 1/31/12/2018 के बीच में डाले तो वो वैलिडेट हो, अदरवाइज नहीं। देन टाइप, टाइप मस्ट है यहाँ पे। टाइप हम लोग क्या लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे डेट वैलिडेशन कर रहे हैं इसीलिए हम लोग टाइप में डेट ले लिए हैं। देन यहाँ पे रेंज वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर में हम लोग RV एंड डेट हम लोग डाल देते हैं नेमिंग कन्वेंशन के अनुसार से। देन यहाँ पे एरर मैसेज में आते हैं और एरर मैसेज में हम लोग यहाँ पे जो है कॉपी कर लेते हैं, प्लीज इंटर अ वैलिड डेट विद इन 2008। 2008 के अंदर जो है हमारा डेट होना चाहिए, तभी वो वैलिड डेट होगा। अब हमारा ये सक्सेसफुली हम लोगों ने सारा प्रॉपर्टीज सेट कर लिया है। यहाँ पे सोर्स में आके मैं आपको दिखा रहा हूँ, एरर मैसेज हो गया, कंट्रोल टू वैलिडेट हो गया, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हो गया, टाइप हो गया, ठीक है। यहाँ पे RV डेट, कंट्रोल टू वैलिडेट में हम लोगों ने TXT डेट रखा हुआ है, ठीक है। एरर मैसेज हमारा हो गया, डिस्प्ले डायनेमिक दिखा रहे हैं, 4 कलर हो गया, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हो गया, सेट फोकस ऑन एरर, एरर आने के बाद हमारा उसी टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस रहे। देन हम लोग दूसरा जाते हैं टूल्स में, फिर रेंज वैलिडेटर को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और एज को हम लोग वैलिडेट करते हैं। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले डायनेमिक सेट करेंगे। एरर मैसेज को हम लोग बाद में देखते हैं, 4 कलर को हम लोग रेड सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे।
फोर कलर को हम लोग यहाँ पे रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल टू वैलिडेट में हम लोग यहाँ पे एज सेलेक्ट कर लेंगे, देन सेट फोकस ऑन एरर ट्रू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम लोग यहाँ पे इंटर कर देते हैं। मैक्सिमम 40, मिनिमम 20, 20 से 40 एज के बीच में ही जो है ये एज ग्रुप वैलिडेट होगा। और यहाँ पे रेंज वैलिडेटर आर वी एज, यहाँ पे एरर मैसेज हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। प्लीज इंटर द एज बिटवीन 20 to 40। तो हम लोग यहाँ पे सोर्स में आके देखते हैं, एरर मैसेज हमारा हो गया, कंट्रोल टू वैलिडेट हो गया, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हो गया। देन यहाँ पे एक चीज़ जो मिसिंग हो रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को कर लिए TXT एज डिस्प्ले डायनेमिक फोर कलर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे एक टाइप छूट रहा है। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आके और यहाँ पे हम लोग टाइप सेलेक्ट कर लेंगे इंटीजर। अब यहाँ पे इंटर थ्री डिजिट नंबर को हम लोग वैलिडेट करते हैं। तो थ्री डिजिट नंबर वैलिडेशन में हम लोग रेंज वैलिडेटर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पे हम आप डायरेक्ट टूल बॉक्स से जाके प्रॉपर्टीज में से भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप टाइप करके भी पूरा का पूरा जो है वैलिडेशन रेंज वैलिडेटर का पूरा प्रॉपर्टीज आप टाइप करके भी लिख सकते हैं। तो आपको जैसा भी कन्वीनियंट लगे, मैंने आपको दोनों इसीलिए दिखा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग इंटीजर सेलेक्ट करेंगे टाइप में, क्योंकि थ्री डिजिट नंबर को वैलिडेट कर रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेंगे 100 999 एंड मिनिमम वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेंगे 100 एंड कंट्रोल टू वैलिडेट में हम लोग यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट TXT3 जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स का नाम है वो हम यहाँ पे लेंगे। देन हम यहाँ पे एरर मैसेज को ले लेते हैं, प्लीज इंटर ओनली थ्री डिजिट्स और यहाँ पे फोर कलर को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो एरर मैसेज आए वो रेड कलर में डिस्प्ले हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल आर कंप्लीटेड। तो हम लोग रन करते हैं, आप F5 प्रेस करके भी रन कर सकते हैं। अनऑब्स्ट्रप्सिव जावास्क्रिप्ट का हमारा ये एरर आया था, तो उसे हम लोग वेब कॉन्फिग में ऐप सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे हम लोग उस एरर को रिमूव कर लेते हैं। वैलिडेशन सेटिंग्स अनऑब्स्ट्रप्सिव मोड एंड वैल्यू नन कर लेंगे। देन हम लोग जो है रीरन करते हैं। यहाँ पे हम लोग रीरन कर रहे हैं, ये हमारा सक्सेसफुली रन होके आ गया, ये जो आप देख रहे हैं रेंज आ गया। अब यहाँ पे हम लोग गलत डेट को डालते हैं, ये देखिए एरर मैसेज डिस्प्ले हो गया, प्लीज इंटर ए वैलिड डेट विद इन 2018। तो यहाँ पे हम लोग 2018 का डेट डालते हैं। नाउ हमारा जो है एरर मैसेज हैज गॉन। देन हम लोग एज में गलत एज डालते हैं, 20 to 40 ईयर के एज हम लोगों ने डाला हुआ था, तो हम लोग गलत एज डालते हैं। देखिए आपको एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, प्लीज़ इंटर द एज बिटवीन 20 to 40 ईयर। ठीक है, देन हम लोग राइट एज डालते हैं। देन यहाँ पे थ्री डिजिट नंबर हम लोग वैलिडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे गलत एज जो है थ्री डिजिट नंबर डाल रहे हैं,
टू डिजिट नंबर पे हमारा जो है वैलिडेशन फेल हो गया, अब हम यहाँ पे थ्री डिजिट नंबर डालते हैं, ये हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। देन हम थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इट्स टोटली फ्री। एंड आप प्लीज़ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आपको ये वीडियोज कैसा लगा आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे शेयर करें, ताकि इस वीडियो का जिस पर्टिकुलर लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक यह वीडियो पहुँचे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।